हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ ए जी एग्ज़ाम कि जो जी एग्ज़ाम के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में से कौन से और कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि कितने क्वेश्चन सब्जेक्ट में से होता है कि कैोलॉजी में से कितने क्वेस्चन्स कॉग्नोसी में से कितने सूटिक्स में से कितने तो जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज बनता है तो उसके बारे में हम डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स फार्मा रॉक्स का स्टडी मटेरियल लेक्चर नोट्स पी डी एफ टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर अब रॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है तो अगर समझो कि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन तो वहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर स्टडी मटेरियल है फिर टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ की प्राइस हमने रखी है सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ की हंड्रेड रुपीज़ के अंदर आप वन ईयर तक जो है वो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपको सिर्फ ट्वेंटी एट पैसा पर डे के तौर पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी एमसीक्यू का सॉल्यूशन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो प्रॉपर इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस और आपका रैंक भी जनरेट होता है बेज ऑन योर परफॉर्मेंस तो ये सभी फैसिलिटी को एक्सेस करिए रॉक्स की मोबाइल ऐप ऊपर तो आज का जो मेन टॉपिक है कि जीपेट एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने एम जो है वो ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं तो प्रायोरिटी में हम देखें तो केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं उसके बाद सेकेंड हाइएस्ट देखें तो फिर फार्माकोलॉजी फिर अदर सब्जेक्ट्स और फिर कॉग्नोसी। तो ये होता है एवरेज वेटेज अब डिटेल में जानते हैं तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीटली न्यू है उनको हम बता दें कि व्हाट इज द जीपेट एग्जामिनेशन तो जो जीपेट एग्जामिनेशन की जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्लीट्यूड टेस्ट जीव में फॉर ग्रेजुएट पी फॉर फार्मेसी ए फॉर एप्लीट्यूड एन टी फॉर अ टेस्ट की जो एक नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कि जो स्पेशली कंडक्ट की जाती है फॉर एंट्री इन टू एम फॉम कोर्सेस क्या बी फार्म के बाद जब आप मास्टर डिग्री करते हैं तो उसके लिए फॉर एडमिशन एज वेल एज़ फॉर द स्कॉलरशिप एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है तो जो स्टूडेंट जीपेट की एग्जाम को करते हैं क्वालिफाई तो जीपेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर मन्त। टू कि दो साल जब तब जब आप एम फार्म करते एम फार्म कोर्स की ड्यूरेशन रहती है टू इयर्स तो टू ईयर्स इक्विवेलेंट टू ट्वेंटी फोर मंथ तक आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने बारह हज़ार चार सौ रुपये आफ्टर क्वालिफाई दिस जी एग्जामिनेशन एग्जामिनेसन और अच्छा रैंक आपको अच्छी कॉलेजेस देने में भी काफ़ी फ़ायदे रूप होता है बेनिफिट्स रहते हैं तो जीपेट एग्ज़ाम की हिस्ट्री जाने तो 2018 तक 2018 एटीन तक ए एग्जाम को कंडक्ट करता था ए आई सी टी की ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एस आई टी सी जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता था और, और जो डायरेक्शन था हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब सेम डायरेक्शन तो सेम ही है बट जो टेस्टिंग एजेंसी है वो अब चेंज हो गई है और 2019 से कि जी के 2019 दो की एग्ज़ाम हम देखें तो भी कंडक्ट की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जी का जो 2020 का एग्जामिनेशन हुआ वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया एंड अपकमिंग जो जी का 2021 का एग्जामिनेशन होगा वो भी एन टी ए ही कंडक्ट करेगा और ये इक्विवेलेंट उसके सिलेबस के साथ पूरे इंडिया के अंदर ये नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होती है स्पेशली फॉर द एडमिशन इनटू वेरियस कोर्सेस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी तो 2021 हज़ार की एग्जामिनेशन टेंटेटिवली फोर्थ वीक में कंडक्ट की जाएगी जो रहेगी टेस्ट के टेंटेटिवली जो लास्ट वीक या फिर जो फोर्थ वीक रहेगा जनवरी का 2021 के अंदर ये एग्ज़ाम हो सकती है तो हमने जो एनालिसिस किया था जी के एग्जामिनेशन का तो केमिस्ट्री में से ऑन एन एवरेज 38 एट क्वेश्चन पूछे गए जी के 2019 के एग्जामिनेशन में फिर फार्मास्यूटिक्स में से भी 38 एट क्वेश्चन थे फिर uh, कॉलोज कॉग्नोसी का देखा तो कॉग्नोसी के अंदर से ऑन एन एवरेज टेन क्वेश्चंस पूछे गए थे से ट्वेंटी एट थे एंड अदर सब्जेक्ट से इलेवन एम सी क्यू जो वो पूछे गए थे दो हज़ार उन्नीस में और ये सभी का आप समझो कि टोटल करोगे तो टोटल आपको मिलेगा वन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू कि जीपेट एग्ज़ाम में वन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू होते हैं एक क्वेस्चन्स का चार मार्क तो वन ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड मार्क्स की ये एग्जाम कंडक्ट होती है और टाइम लिमिट आपको मिलती है थ्री आवर्स तो ये सभी लेक्चर्स की हमने लिंक की जो डिटेल में भी हमने और बनाए हैं जीपैट के रिलेटेड तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी लेक्चर्स को एक्सेस करिए इवन आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी 2020 का जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें भी हमने देखा कि केमिस्ट्री के 38 एट क्वेश्चन थे सिटिक्स के भी 38 एट क्वेश्चन पूछे गए थे सेम लाइक दैट फॉर कॉग्नोसी 10 कागलोकोलॉजी 28 एट एंड अदर सब्जेक्ट से इलेवन क्वेश्चन तो 2019 का देखे और 20 का तो दोनों का जब पेटर्न देखा हमने वेटेज चेक किया तो वेटेज जो है वो सेम मिला तो अब टेस्टिंग एजेंसी भी सेम है एन तो टेंटेटिवली 2021 के अंदर भी सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो सकती है कि जिसके अंदर केमिस्ट्री में से 38 क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है कि 38 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं सूटिक्स में से भी 38 एट कॉग्नोसी टेन कॉलेज ट्वेंटी एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी इलेवन एम तो केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री में सभी केमिस्ट्री इंक्लूड हो जाती है इंक्लूडिंग द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बिकॉज जो हम कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री के जिसके अंदर इंक्लूड होता है पूरा एनालिटिकल रिलेटेड केमिस्ट्री का जो पोर्सन प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपिस की जो टेक्निक क्रोमेटोग्राफी जो टाइट्रेशंस वाला पोर्सन है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर एज वेल एज जो फिजिकल केमिस्ट्री है फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और केमिस्ट्री का तो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री वो सब इंक्लूड हो जाएगा ये केमिस्ट्री के पोर्सन में कि जो हाइएस्ट वेटेज रखता है थर्टी एट एम सी क्यू का सेम है फार्मास्यूटिक्स के अंदर कि जिसके अंदर स्यूटिक्स के सभी पोर्सन की डोजिस फॉर्म डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है एज वेल एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है एन सब्जेक्ट आता है नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स है डिस्पेंसिंग फार्मेसी है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है फिजिकल फार्मेसी है तो सूसरी रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सब के लाइक फिजिकल फार्मेसी इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशंस वाला जो पूरा सेक्शन रहता है फिर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वो भी हम फार्मास्यूटिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासी के जो टॉपिक्स पोसोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स डिस्पेंसिंग फार्मासी डोज कैलकुलेशन, बायो फार्मास्यूटिक्स ये सब भी इंक्लूड होता है फार्मास्यूटिक्स में भी वो भी थर्टी एट एम सी का वेटेज रखता है थर्ड देखे कॉलोजी तो कॉलोजी में से ट्वेंटी एट जिसमें पूरा फार्माकोलॉजी ए टू जेड ए टू जेड फार्माकोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है और फार्माकोलॉजी में ही इंक्लूड हो जाता है कई बार पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड एम सी क्यू कि जो डिसीज़ रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मेडिसिन कौन से यूज़ होते हैं वो सब फार्माकोलॉजी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं कॉग्नोसी के टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बाद हम देखिए अदर सब्जेक्ट्स के जो माइनर सब्जेक्ट है जितने भी माइनर सब्जेक्ट है वो सभी में से इलेवन एम जो है वो पूछे जाते हैं कि जितने भी जो माइनर टॉपिक्स बच जाते हैं ये सब्जेक्ट्स के बाद वो सभी में से ऑन एन एवरेज इलेवन एम रैंडमली निकलते कि समझि एना, एनाटोमी हम चेक करें उसके अंदर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी है उसके बाद जो ज्यूरी का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ज्यूरी प्रूडेंस का जो टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी है फिर आप जो स्टडी करते हैं रिगार्डिंग फॉरेंसिक फार्मेसी के जो एक्ट्स वगैरह स्टडी करते हैं शेड्यूल्स वग़ैरह तो वो भी एक माइनर टॉपिक्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं तो वो सब में से एटलीस्ट इलेवन क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं कि जब से एन टी एन ए प्रॉपर उसका वेटेज एंड पेपर की जो डिज़ाइन जो है वो सेटअप की है तो ग्राफिकली हम देखें तो केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स का जो ग्राफ है वो सेम है थर्टी एट क्वेस्ट जितना कॉग्नोसी सबसे छोटा वाला ग्राफ टेन एम सी क्यू कॉलोजी ट्वेंटी एट क्वेस्ट और अदर सब्जेक्ट्स के इलेवन तो इस तरह से आप वेटेज के आपको प्रॉपर इस तरह का के सब जो कि आप केमिस्ट्री रिलेटेड सभी सब सब्जेक्ट करते हैं तो आपके थर्टी एट क्वेश्चन जितना जो है वो आप स्योरिटी रहती है सीटिक्स में से थर्टी एट कॉग्नोसी टेन कॉलोजी ट्वेंटी एट एंड अदर सब्जेक्ट इलेवन और टोटल हो जाते हैं 125 वन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू तब उसके रिलेटेड आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं ये वेटेज के अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेटर्जी क्या रहेगी कोई इस तरह से आप तैयारी करें तो उसके लिए आई बटन पे क्लिक करके जो एनालिसिस रिलेटेड स्ट्रेटर्जी रिलेटेड लेक्चर आप जरूर से चेक कर सकते हैं सो टिल देन मैसेज यू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम व्हाट्सएप टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल यूज दमर ऑक्स गेट द लिंक्स इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एक्सेस द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर So good luck and all the best.